इंतज़ामिया की गफलत या नाअहली। कुरंगी UC 31 जामा मस्जिद मोहम्मदी और जामा मस्जिद रहमानिया के सामने सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का कहना है मुतादित बार दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। सेवरेज लाइन बंद होने के बायस मुकम्मल तौर पर निकासी नहीं हो रही, जिसकी वजह से अमराज फूटने का खदशा है। हमारे इलाके की मसलात को हल करने के लिए आगे तक पैगाम पहुँचाई गई हैं। लेडीज़ होती हैं, मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाजी पर गंदे कपड़े हो जाते हैं, हमारी औरतें ख़वातीन बच्चे गिर जाते हैं। इस मसले को आगे तक पहुँचाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बहुत शुक्रिया। कचरे के ढेर देखें आप, जगह जगह गंदगी के ढेर। अभी तक वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठ के वहाँ पे कि जी हमने तो पूरे इंतजाम कर दिए, बारिश होगी क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। जनाब हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं आप ये देख रहे हैं, अरसे से सालों हो गए यहाँ पे ये पानी भरा हुआ। ये मस्जिद करीब है, ईशा की नमाज दिन की नमाजों के लिए नमाजियों को इतनी परेशानी होती है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते। इतनी दफ़ा यहाँ पे टीमें मीडिया वाले बेचारे आए, इसको एक्सपोज किया, लेकिन हुक्काम है बाला के कोई कान के ऊपर जूर नहीं रेंगती। जनाब जनाजा नमाज यहाँ पढ़ाई जाती थी, इस वजह से यहाँ से आवाम जो जनाजा नमाज़ें भी नहीं पढ़ाई जा रहा, गंदगी इतनी, नमाजी आते परेशान होते हैं, छींटे लगते हैं। ये बकराईद से पहले का ये सिलसिला चल रहा था, अभी चला कि आज लाइन नहीं डली है, क्योंकि मेरा भी पीछे घर है, परेशानी होती है आने जाने में, लेडीज़ को प्रॉब्लम है। कल भी दो लेडीज़ें गिरी हैं इसी पानी के अंदर। थोड़ा सा अमल होता है, ये देखें ये खड़ी है गाड़ी, यहाँ तक लाइन डली हुई है, ये यहाँ तक लाइन डाल के ईद से दो दिन पहले की लाइन डली हुई है, ये पाइप डले हुए हैं और दोबारा उन्होंने नाम नहीं लिया। और ये नमाजी हजरात यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है। और डेली कल भी दो लड़के यहाँ पे ये गड़ा गिरा हुआ, यहाँ पे गिरे हैं मोटरसाइकिल लेके। की दुकानें हैं, खाने पीने की अशियाँ यहाँ बिकती हैं, यहाँ पर कम से कम किसी चीज़ का तो ख्याल करो। और बरसों से ये अरसे से ही हो रहा है, पता नहीं कितने इंटरव्यू हो चुके हैं, कितनी फिल्में बन चुकी हैं, कितनी वीडियोज़ बन चुके हैं। पहले की बात है, ये रेड लाइन डाल रहे थे, अधूरी छोड़ के छोड़े चले गए हैं जैसे, और दोबारा वापस ही नहीं आए काम करने के लिए। यहाँ गाड़ियाँ भी फंस रही हैं, ये पूरी लाइन है नहीं, यहाँ से सारी ख़राब है, गड्ढा हो गया इसके अंदर, गड्ढा और गाड़ियाँ इसके अंदर चली जाती हैं। आवाम की मुतालिका इदारों से अपील कि खुदारा इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। कैमरा मैन अतान सैयद के साथ अब्दुल कदीर, आवाज़ टाइम कराची।